आने वाली 27 अप्रैल दुनिया के इतिहास में एक बड़ी तारीख बनने जा रही है। 27 अप्रैल को उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच दक्षिण कोरिया के एक गांव में शिखर वार्ता होगी। क्यों अहम है दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत, देखिए इस रिपोर्ट में। अक्सर मिसाइलें छोड़कर दक्षिण कोरिया और जापान को डराने वाले और अमेरिका को न्यूक तक करने की धमकी देने वाले उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अब बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बार बार धमकी देते आए हैं और किम भी ट्रंप को उनकी धमकी के जवाब में और बड़ी धमकी देते आए हैं। तो क्या किम अब डर गए हैं? दरअसल किम जोंग उन को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए अगर किसी को श्रेय मिलना चाहिए तो वो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन। उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन भी वामपंथी हैं। मून और किम के रिश्ते बहुत पहले से दोस्ताना रहे हैं। मून जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तब वो उत्तर कोरिया गए थे और किम से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, पिछले साल राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में मून का मुख्य एजेंडा भी उत्तर कोरिया के साथ शांति कायम रखना था। इस दौरान मून ने ये ऐलान किया था कि अगर वो राष्ट्रपति चुने गए तो वो सबसे पहले उत्तर कोरिया जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद मून ने उत्तर कोरिया की तरफ न केवल दोस्ताना हाथ बढ़ाया बल्कि उन्होंने ट्रंप को इस बात के लिए मजबूर किया कि अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा। मून की ये कोशिश रंग लाई और उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के लिए न केवल अपने खिलाड़ी भेजे बल्कि आइस स्केटिंग में पहली बार दोनों देशों की एक ज्वाइंट टीम भी खेलने उतरी। दोनों देशों के खिलाड़ी एक ही झंडे के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए। किम जोंग उन की बहन खुद इन खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रही थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की कोशिशों का ही नतीजा था कि ट्रंप और किम दोनों ने बातचीत की टेबल पर आने के लिए हामी भर दी। किम और ट्रंप के बीच मुलाकात हो उससे पहले ये जरूरी था कि किम और मून के बीच मुलाकात हो और दोनों कोरियाई देश अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। दोनों देशों की जनता भी यही चाहती है। ऐसा पहली बार होगा जब उत्तर कोरिया का कोई सुप्रीम लीडर दक्षिण कोरिया की धरती पर कदम रखेगा। किम जोंग उन 27 अप्रैल को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये शिखर वार्ता दक्षिण कोरिया के एक डीमिलिटराइज्ड गांव में होगी। उम्मीद है कि इस शिखर वार्ता के बाद ईस्ट एशिया में बरसों पुराना तनाव खत्म हो जाएगा। इसरार अहमद शेख, गो न्यूज़।